सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेलकम। कैसा सफर रहा कराची से लाहौर का? मुश्किल था। पैदल आए हैं? वही कह रहा हूँ, चार बसें बदली, फिर रिक्शा लिया। अरे भाई, फिर में टांगे पे। दो घंटे की फ्लाइट थी, उसमें क्या मुश्किल होना है? नहीं, मुश्किल क्यों, अगर फ्लाइट में आपके साथ कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान बैठ जाए तो फिर कभी मुश्किल हो जाती है, मैंने सुना। भाई मेरे साइड पे तो एक गार्ड बैठा हुआ था, ना इधर देखने देता था ना उधर देखने देता था। भाभी, व्हाट इज दिस, इतनी सिक्योरिटी? मैंने कहा था वहाँ चले जाए, हमारे साथ एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी तो उनकी वैसे बेचारे ना हिल रहे थे ना इधर और। ये देखें, ये तो उनका ख्याल किया ना भाभी ने। वैसे ट्रैवल ज्यादातर भाभी के साथ ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी जो है फॉरेन जाना पड़ता है या फॉरेन आना पड़ता है तो अकेले जाता हूँ। और कभी मतलब जल्दी से या फॉरेन? नहीं, मतलब ये फॉरेन कर लेते हैं क्योंकि मेरे साथ जाना नहीं है। ओह, तो आप बिल्कुल पहले प्लान नहीं करते कि भाभी को साथ ना ले जाना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है, प्लान तो पहले ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फैमिली जाए, लेकिन जब वो एक आध दिन के लिए जाना होता है तो बच्चों को लेके जाना बेचारे, वो भी नींद भी खराब करें, तो मैं कहता हूँ आप घर पे रहो, एक आध दिन में मैं वापस आ जाऊँ। ये भी आपका भड़ापन है, क्या बात है। और अभी जब आपने एंट्री मारी, इन लोगों की तालियां, मोहब्बत, जब लोगों की मोहब्बत मिलती तब कैसा फील करते हैं? अरे बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। दुआ कर दे इनके लिए, अल्लाह ताला इनको बहुत कुछ रखे और ये इसी तरह हमें प्यार करते रहे। आमीन आमीन। ये आप लोगों की मोहब्बत है। अब आप लोग अगर इजाजत दें तो हम शो शुरू करते हैं और मैं कहूंगा आप लोग तशरीफ रखें, हथकरघी को आगे लेकर चलते हैं। लेट्स डू दिस गाइस। क्या बात, सबसे पहले तो आपने टीचिंग भी की, आपने बैंक में काम भी किया, फिर आपने एक्टिंग भी की, इतनी डाइवर्सिटी को किस तरह साथ लेके चले? और ये आपको कैसे पता चला? मैंने उस बैंक में एक दफा अकाउंट खुलवाने की कोशिश की थी और आपकी वजह से नहीं खुला। जिस बैंक में आपने अच्छा, मेरी एक बचपन से, और वो जो शरारती बच्चा क्लास में था आपने पहचाना, अब मेरी एज हो गई है। नहीं नहीं, वो मैं नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। भाई मेरी शुरू से एक नेचर रही है कि एक कश्ती पे सवार होकर चलना एक जिंदगी है मुनासिब नहीं है, एक साथ तीन से चार कश्तियों में कदम रख के चलो, अगर एक डूब भी जाती है तो दूसरा सहारा बन जाती है। अभी समझाने के लिए यह है कि एक दौर आया था जिसमें आईटी आया था, आईटी जैसे आया तो हर पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो है माँ बाप ने कहा कि यही सीखो, आईटी करो। उसके बाद क्या हुआ कि जॉब्स ही नहीं मिल रही थी, वो बेचारे आईटी करके भी फारिग बैठे हुए थे। तो मैंने एक वक्त में कंप्यूटर भी सीखा, अपने जो है क्रिकेट का भी शौक़ था, एक्टिंग भी कर रहा था, बैंक के अंदर जॉब मिली वो भी शुरू कर दी, तो मैंने जिंदगी में हर चीज़ कर अपना एक्सपीरियंस रखा, सब कुछ, वेल्डिंग का काम भी चल रहा है, हर चीज़ मुझे अच्छा बड़ा मजा आता है। आप कहते हैं एक टाइम पे तीन चार चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, लेकिन बीवी एक ही ठीक है, क्लियर कर देना, एक टाइम पे तीन चार, वो उसके बाद होने ही नहीं देती ना दूसरी जगह पे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और आपने नुमान भाई एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट स्टार्ट किया था, तो क्या उसको किस तरह इसमें स्टेप किस तरह इस फील्ड में आए, ऑडिशन दिया था, वो क्या वाकया? यार ये बेसिकली अगर हम स्लैंग लैंग्वेज में बात करें तो एक्स्ट्राज जिसे कहते हैं, जो काउंटिंग में ही नहीं आते। एक दफ़ा एक टीवी पे ऐड आया कि एक गाने के लिए जो है ना मॉडल्स चाहिए, तो मेरी सिस्टर ने देखा तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, मैंने कॉन्टैक्ट किया, कराची के अंदर जो है खड्डा मार्केट है उसमें ऑफिस है, उन्होंने कहा सुबह 6 बजे आ जाए। अब हमने कहा सुबह 6 बजे क्या, आप 5 बजे ही बुलाओगे, पहुँच जाएंगे? पहुँचे तो नीचे बहुत लड़के लड़कियाँ खड़े हुए, तो ऑफिस मैंने पूछा उन्होंने कहा ये फर्स्ट फ्लोर पे, मैं ऊपर गया तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप सही जगह पे आए, नीचे जो लड़के लड़कियां खड़े हुए ना वहाँ खड़े हो जाइए। तो वहाँ मैं उनके साथ खड़ा हुआ, फिर दो जगह शूट्स हुई थी उसकी, और वो गाना था फाखर भाई का दीवाना, दिल दीवाना तेरा दीवाना। तो उसमें जो आवाम है, हजूम है, उनमें से मैं एक था। तो एक जगह आती है जब बहुत, जब शादी का वो जो है बारात जा रही होती है तो स्लो मोशन में मैं जो है अपने आप को पॉज करता हूँ, दिखाता हूँ दायरा बना के, ये हूँ मैं, मेरा स्टार्ट वहाँ से हुआ था। और कहाँ से सफर शुरू हुआ और कहाँ आया, ये होता है जब पैशन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन आपके अंदर हो। तालियां। ओल्ड होम में खिदमत करने गए और उसका सिला भाभी की शक्ल में मिला, देख लें। हैं भाभी, आपने इतने बूढ़े लोगों में इस नौजवान को कैसे चुन लिया? नौजवान थे इसलिए। अच्छा। नहीं भाभी, इससे ज्यादा तो कोई रीजन होना चाहिए। इतने काम किए, आपने भी ये रिश्तों वाला काम किया, नहीं पता था, दो दिलों को मिलाने का काम किया अबरार साहब, तीन तालियां। चलो हो या की फिर ये वहाँ मुझे मिले, इन्होंने देखा, नहीं नहीं आप एंटर हुई, आपकी नजर पड़ी, एकदम हवाएं चली। नहीं नहीं नहीं, हवाएं हुई कोई नहीं चली। अच्छा। हाँ जी, ये कोई फिल्म तो थी नहीं, ये तो वो था कि मैं दुपट्टा स्कार्फ प्रॉपर उसमें थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे यही शहजादा मिल जाना है मेरा। मैं तो और तब मैं आई थिंक 8 या 9 क्लास में थी। मान भाई कच्चे आम तोड़ लिए।
और मैं अपनी नानी के साथ रहती थी कराची में, बाकी सब लाहौर. मैं पंजाबी हूँ, मैं खुद लाहौर से हूँ. तो मैं आके ये जब बाइक पे इन्होंने एंट्री दी, वो हवाएं तब चली थी जब बाइक चल रही थी. मुझे नहीं पता था ये कोई एक्टर है या मैं, क्योंकि टीवी नहीं देखती थी. मेरी नानी ने मुझे बताया, मैंने कहा ये बिल्ली आंखों वाला लड़का कौन है. नुमान की आइज ना तब बहुत बहुत चमक रही थी, पता नहीं क्या था, शायद वो देखना था इसलिए या क्या था. खैर अम्मी ने बताया कि ये टीवी पे आते हैं और इस तरह से भोले वाला ड्रामा किया और ये वो. खैर उसके बाद नुमान ने खुद ही नंबर लेकर आना जाना शुरू किया. घर पर आते थे, डोनेशंस करते थे, मिलते थे सबसे, मतलब प्रॉपर चैरिटी. अब मुझे नहीं पता कि वो आना जाना, दो तीन बार इनको मैं नज़र नहीं आई तो इन्होंने इन्होंने चैरिटी का काम ही छोड़ दिया. वो आप सही कह रहे हैं, डोनेशन देना बंद कर दी, लेकिन मैसेज में पूछते थे आप लोग कब अवेलेबल होंगे. मैंने कहा सब तो अवेलेबल है, किसकी अवेलेबिलिटी. फिर उसके बाद नुमान अपनी अम्मी को लेकर आए, फिर रिश्ता प्रॉपर बात हुई, फिर इस तरह हमारी शादी. क्या बात है. और तो इस तरह शादी हुई, लाइक एंगेजमेंट हुई, 6 महीने बाद शादी. अच्छा जब आपने इस तरह का, मुझे लगा एक ही दिन में तीनों फंक्शन कर लिए. इस तरह वाली शादी. ये तो भाभी का वर्जन था, आपकी स्टोरी क्या है. एक शो था जैसे इब्रार भाई का, मैं वहाँ गेस्ट किया हुआ था. तो वहाँ पर जो है ना, इनकी नानी जो है वो आई हुई थी, ओल्ड होम के जो बिनते फातिमा हैं, ख़वातीन भी बहुत सारी थी. तो वहाँ पहली बार मैंने देखा कि पाकिस्तान में भी ओल्ड होम का रिवाज है. मैंने हमेशा देखा था आउट ऑफ कंट्रीज़ वगैरह में चलता था. तो मैंने, अच्छा उस दौरान जो है ना, मैं कोई लड़की ढूंढ रहा था शादी के लिए, क्योंकि मैं और अम्मी घर पे रहते थे. तो रोज़ शाम को निकल रहे हैं कि कोई लड़की ढूंढ ले दोबारा. ऐसा नहीं है जब, अच्छा वो होता है ना कि मैं, मेरा काम चल रहा था, वो एक एज ऐसी थी तो मुझे शादी की ज़रूरत नहीं, लड़कों को टेंशन नहीं होती. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरी माँ ने बड़ी मेरे लिए खिदमत की है, मतलब हम लोगों को पाला पोसा मेरे फादर ने, अब वो हयात नहीं है लेकिन इतनी मेहनत की है कि अब जो है ना कम से कम मैं काम पे जाता हूँ, पूरे दिन वो बेचारी अकेली बैठी रहती है, फिर मैं थका हुआ आता हूँ, थोड़ी देर में सो जाता हूँ या मुल्क से बाहर होता हूँ, अकेली कैसे लाइफ गुजारेंगी. तो मैंने कहा कि यार ये मुनासिब नहीं है, शादी कर लेनी चाहिए. तो क्योंकि शादी दो लोगों में नहीं होती, दो फैमिलीज में. अरे कितनी बड़ी लाइफ, ये सोच ही है. तो उसको मैंने सोचते हुए जब मैं वहाँ पर ढूंढ रहा था, तो वहाँ पर मुझे जो है आंटी के साथ, मुतासिर नानी से हुए थे बेसिकली, नानी के काम से हुआ था. क्या बात. और वहाँ पर उनका साथ दे रही थी ये बैठी हुई थी स्कार्फ लेके प्रॉपर पूरा ढक के. आपने कहा नानी से तो हो नहीं सकती, तो जो नवासी है उसी में इनकी परछाई होगी. तो मैंने वहाँ ये देखा इनको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही थी ये लोग, कि इनका कांटेक्ट मैंने डिटेल ली कि कहाँ पर इनका जो है इदारा है. मैं वहाँ इदारे गया, इदारा जाके मैंने खुद देखा, क्योंकि अक्सर होता है ना कि फेक चीज़ें लाइफ में बहुत है. इवन हम जब एक्टिंग करते हैं तो हम वो नहीं होते, कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन हम अंदर से क्या है, हम दूसरे. तो मैंने उसको जाके प्रॉपर देखा, इदारे में देखा. हम रहते भी वहीं हैं जी, ये लोग वहीं रहते हैं, वहीं खवातीन रहती हैं, वही जो ये खाते हैं. लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में बिनते फातिमा ओल्ड होम के नाम से, और खुद रहते भी वहीं हैं. तो मैंने वहाँ जब जाके देखा, फिर जब मुझे, आपने कहा मैंने भी इधर ही रहा है, जब मुझे लगा कि वाकई ये सही है, तो फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की. तो अम्मी ने कहा ठीक है मुझे दिखा दो. मैं अम्मी को फिर लेके गया डोनेशन के बहाने. तो मैंने बताया डोनेशन आ रही थी पीछे, बात बताओ कैसे जाओगे, बताओ. रिश्ते वाली भी तो पैसे लेती है ना. ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है. तो इस तरह जो है मैंने अम्मी को दिखाया, अम्मी ने देखा, अम्मी भी खुश थी. तो फिर जो है मैंने कहा कि अम्मी को जो है बात कीजिए, तो फिर इस तरह बात हुई और आज हम लोग साथ बैठे. क्या बात है, क्या बात है. बच्चों, प्याले बच्चों, क्या सीखा, चैरिटी इवेंट्स पे जाओ. जो नहीं भी जाते थे ना, कल से पहुंचे होंगे, सुबह सुबह रेडी होके, अम्मी मैं चैरिटी इवेंट पे जा रहा हूँ, माँ बाप परेशान है, एक दिन नीचे किड्डा चंगा हो गया. उनको बताना नूमी भाई का शो देखा है, ठीक है. लेकिन देखो, नहीं देखो, मजाक अपनी जगह, बट ये कितना एक नेक काम है कि एक तो होता है ना, आप जाके अपना टाइम निकाल के आधा पौना घंटा कोई भी अच्छा सोशल काम कराते हो. इनकी बात कि ये रहते भी वहीं, जिस तरह खुद जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही उनके साथ गुजार रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया. तो दिस एक्चुअली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड हैट्स ऑफ टू योर नानी एंड मामा. यहाँ पे मामा देखती हैं,